एक्चुअली मैं और महमूद तो हम अपना प्रोजेक्ट लेके पहली बार आए हैं, लेकिन यहाँ आके हमको आइडिया लगा है कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और किस तरह के और कितने वेरीड किस्म के लोग आए हुए हैं, और उन लोगों से सबसे बात करना, कुछ समझना, उनकी इंडस्ट्री कैसी है, हमारी इंडस्ट्री कैसी है, किस तरह से लोग काम कर सकते हैं साथ, इस पर बहुत डिस्कशन हो रहा है। अलग अलग तरह की चीज़ें, अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग रूल्स हैं, तो वो सब पता चल रहे हैं, ट्रीटीज़ पता चल रही हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। थिएटर में तो हमने फिल्में बिकते हुए देखा है, लेकिन फिल्म बाज़ार में सारे फिल्म मेकर्स आते हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? यहाँ किस तरीके से स्क्रिप्ट वगैरह कैसे हम, या यूँ कहें कि बिजनेस फिल्म बाज़ार में किस तरीके से हो सकता है? देखिए, फेस्टिवल, वैसे भी कोई भी फेस्टिवल जैसे फिल्म फेस्टिवल जिसे बोलते हैं, उसका मेन पर्पस यही होता है कि जो छोटी फिल्में हैं या फिल्में जिनको एक स्टूडियो रिलीज़ नहीं मिल रहा है, उनको इस तरह का एक्सपोजर मिले और वो बहुत जो लोग वहाँ बाहर से आ रहे हैं उसके बारे में बात करें। यहाँ फिल्म कोई बेच नहीं रहा है, यहाँ पे बिक नहीं रही हैं फिल्में, यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट के लेवल पे बातें हो रही हैं, इस लेवल पे कि जैसे अगर ब्रिटेन का कोई इंटरेस्ट है किसी एक प्रोजेक्ट में, या जर्मनी का, या ऑस्ट्रेलिया के, तो किस तरह से दो अलग अलग कल्चर्स और दो अलग अलग नेशंस मिल के एक प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है। जब आप इस तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली इंडिया की भी उसमें इंटरेस्ट होगा, और जो दूसरी कंट्री हमारे साथ आ रही है उनका भी इंटरेस्ट शामिल होगा। तो एक तरह से जो बात होती है ग्लोबल फिल्म की, वो यही प्रोसेस के थ्रू तो निकलेंगे। इंडियन सिनेमा 100 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहा है, तो पहले की जो फिल्में होती थी अब जो हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस पाते हैं आप? देखो, ये तो बहुत ही लंबी बात है, क्योंकि आप इंडियन सिनेमा जो पहले 90s से पहले था और 90s के बाद में बहुत फ़र्क है। हालांकि हर डेकेड में इंडियन सिनेमा चेंज हुआ है, लेकिन जो मेजर चेंज है वो 90s के बाद, जब हम प्री लिबरलाइज्ड इंडिया है और पोस्ट लिबरलाइज्ड इंडिया है। तो ये तो सिर्फ सिनेमा की बात नहीं है, पूरा इंडिया, हमारा मुल्क ही बदल रहा है। आप शहर बदल रहे हैं, गांव बदल रहे हैं, डेवलपमेंट का क्या हो रहा है जानते हैं सब लोग, न्यूज़ में क्या हो रहा है, तो ये तो हमारा पूरा मुल्क ही बदल रहा है ना धीरे धीरे। आप इससे पहले जर्नलिस्ट थे, उसके बाद आपने पीपली लाइव डायरेक्ट की, तो यूथ के लिए, जो आजकल के यूथ हैं अभी फिल्म मेकिंग में आ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मेरी इतना कोई वैल्यू नहीं है कि मैं कोई मैसेज दूँ उन्हें, लेकिन ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ दैट जो कहानी आपकी अपनी है या जिस कहानी को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो कहानी बताएं। बाहर की कहानी या उनका स्टाइलिंग लेके हम बहुत दूर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हमें अपना ज़बान और अपना लैंग्वेज, अपने सिनेमैटिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी डेवलप करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा मार्केट ख़त्म हो जाएगा। तो यही है कि अपनी कहानी लिखिए, और हमारी कहानी, मतलब कि हमारे छोटे गांव की कहानी, हमारे कस्बे की कहानी अपनी ज़बानों में लिखिए, एंड दैट इज़ मोर वैल्यूबल फॉर इंडियन सिनेमा टुडे, आई थिंक।